अगस्त 23 तारीख को जातीय महाकाश दिवस भावे पालन होने घोषणा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु इसरो मुख्यालय में पहुंचा पर वैज्ञानिकों को संबोधन कर प्रधानमंत्री घोषणा कर मोदी कहते चंद्रयान 3 लैंडिंग पॉइंट नामकरण जोठे विक्रम लैंडर अवतरण कर स्थान ना शिवशक्ति रखाई प्रधानमंत्री कहते शिवों ठे मानव कल्याण संकल्प निहित आउ शक्ति संकल्प पूरा कर सामर्थ्य रही है सेपरी चंद्रयान 2 रो पदचिह्न स्थान को नामकरण कर प्रधानमंत्री ए स्थान ना त्रिरंगा रखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए नीचे उतरा उसके बाद यही वो सबसे दिलचस्प मोड़ है इस पूरे 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। जब हर वर्ष नेशनल स्पेस डे साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की स्पिरिट को सेलिब्रेट करेगा हमें हमेशा हमेशा के लिए प्रेरित करता रहेगा। मेरे परिवारजनों स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है और आज मुझे लगता है कि जब हर घर तिरंगा है जब हर मन तिरंगा है और चांद पर भी तिरंगा है तो तिरंगा के सिवाय चंद्रयान 2 से जुड़े उस स्थान को और क्या नाम दिया जा सकता है। इसलिए चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा।